जैन बच्चों, इस समय आप लोग मामने शॉर्ट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 14th चैप्टर स्टैटिक्स के में हम लोग मोड पढ़ेंगे और मोड में एक्स मोड के लिए एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें फार्मूला, लेकिन अगर फार्मूला आप क्वेश्चन पे ही समझेंगे तो आपको फार्मूला अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिलहाल मोड ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला होता है वो L प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू इंटू एच हुआ करता है। तो अब सबको सबसे बड़ी चीज़ देखिए, फार्मूला तो ये लर्न हो जाएगा और फार्मूला आपको लर्न भी करना होगा अच्छी तरह से, लेकिन ये मालूम होना ज़रूरी है कि F1 कौन होगा, F2 कौन होगा, L कौन होगा, H क्या होगा, ये मालूम होना ज़रूरी है। अगर ये सारी वैल्यूज मालूम होंगी तो हम बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या होगी। एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग इन ए ईयर, यानी किसी हॉस्पिटल में 1 ईयर में एडमिट होने वाले नंबर ऑफ पेशेंट के लिए जो टेबल बनाया गया है वो टेबल नीचे दिया गया है, आपके बुक में दिया गया है। आप सभी लोग बुक खोलें और देखें। फाइंड द मोड एंड द मीन, देखिए यहाँ केवल मोड नहीं फाइंड करना था, इसके पहले एक्सरसाइज में हम लोग केवल मीन फाइंड करते थे और यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है। कंपेयर द इंटरप्रेट टू द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी में ये जो मीन मोड मीडियन जो होता है इन्हीं को हम सेंट्रल टेंडेंसी कहा करते हैं, ये सब कंबाइंड होकर के सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। तो अब सेंट्रल टेंडेंसी में यहाँ मीन और मोड का जो है कंपेयर करना है कि किसकी वैल्यू कितनी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर एज दिया हुआ, हमने पहले नोट कर लिया है 5 to 15 और फ्रिक्वेंसी 6, ये पूरी वैल्यूज दी गई है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर हम आपको एक स्पेशल टाइप का मेथड बताएंगे और ये मेथड काफ़ी इजी होगा मोड फाइंड करने के लिए, ये मेथड आपके लिए अच्छा होगा। तो अब देखें हम यहाँ पर जो मिड टर्म होता है, मिड टर्म ये तो इंटरवल होता है, तो इंटरवल जो है एज जो है इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मिड टर्म फाइंड करते हैं। तो मिड टर्म फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि लोअर वैल्यू और हायर, या कह लीजिए लोअर इंटरवल और हायर इंटरवल दोनों को ऐड कर लेते हैं और ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू निकल जाती। देखिए तो 5 + 15 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों को हम ऐड करेंगे 15 और 25 तो ये हो जाएगा आपका 40, और 40 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 25 और 35 को ऐड करें तो ये 60 हो जाएगा, और 60 का हाफ करेंगे तो 30 हो जाएगा। इसी तरह से ये 40 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं ये मोड के लिए वैल्यूज क्या होती है। देखिए हम देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है वो F1 होता है, माइंड में रखे रहिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होती है वो F1 होता है। और देखिए F1 के ठीक सामने जो इंटरवल होता है उस इंटरवल में जो लोवेस्ट इंटरवल होता है वही यल की वैल्यू होती है, यानी यहाँ पर यल की वैल्यू, बल्कि इसको हम यहाँ बाहर लिख देते हैं, यल की वैल्यू जो होगी वो 35 होगी। अब देखिए एफ वन से ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो जो वैल्यू होगी वो एफ ज़ीरो होगी,
और F1 से जब हम नीचे आएंगे तो जो वैल्यू होगी वो F2 होगी। और यह जानते हैं क्या होता है, ये जो दोनों इंटरवल होता है, इंटरवल का डिफरेंस होता है, लोवेस्ट और हाईएस्ट जो इंटरवल होता है इनका इंटरवल, यानी 15-5 कर देंगे तो 10, एच की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा आप माइंड में रखे रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर जो हम लोग नेक्स्ट जो टर्म फाइंड करेंगे वो हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। देखिए एफ आई इंटू एक्स आई हम करते हैं, ये वैल्यू क्या है, तो एक्स आई देख रहे हैं, एफ आई आपके सामने है, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 10 में 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 60 हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220, और फिर यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 630 हो जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ 0 और ये हो जाएगा 12 कैरी 1, ये 920 हो जाएगा, 920। और फिर यहाँ हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 700, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। अब देखिए तो आपको यक्स आई भी फाइंड करना, सॉरी हाँ आपको जो है यक्स बार फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है, और आपको मीडियन भी, मीन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है। तो मीन के लिए जो फार्मूला आपने पढ़ा था, एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए तो हमको एफ आई एक्स आई का समेशन फाइंड करना होगा, फिर सिग्मा एफ आई का समेशन हमको फाइंड करना होगा, और इसके बाद जो है अगर यहाँ से मोड हमको फाइंड करना है तो देखें मोड फाइंड करने के लिए फार्मूला तो हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर यल की जो वैल्यू, देखें यल की वैल्यू क्या है, ये है 35+, सॉल्व करते हैं, ये F1 की वैल्यू 23 है, और माइनस हो जाएगा F0 की वैल्यू 21 है, और अपॉन 2 F1 की वैल्यू 23, और माइनस F0 की वैल्यू 21 है, और माइनस F2, देखिए F2 की जो वैल्यू है ये 14 है, और इनटू हो जाएगा यच दोनों का इंटरवल है तो यच की वैल्यू है 10। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये 35+, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस कर दें, 23 में से 21 माइनस कर दें तो 2 हो जाएगा, और यहाँ आप सॉल्व कीजिए फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया 46, और फिर यहाँ पर अगर हम माइनस करें तो ये हो जाएगा आपका 35, और फिर इनटू हो जाएगा 10। चलिए सॉल्व करते हैं, फिर ये हो गया आपका 35+2, और इनटू यहाँ 10 करते हैं, और नीचे 46-35 कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 35+, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20/11, फिर ये हो गया 35+, अब 20 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद इसको ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मोड आएगी, और यहाँ से हम सबकी वैल्यू पहले फाइंड कर लें, और फाइंड करके रखेंगे तो हम लोगों को मीन फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार देखें हमने किया क्या कि ये तो एफ आई एक्स आई हमने ऐड कर लिया, ये 2830 आया, और सिग्मा एफ आई की जो वैल्यू है 80 है, फिर क्या है ये 2830/80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 283/8, अब 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 35.37, ये मीन निकल गया। अब हम लोग मोड फाइंड करें तो सबकी वैल्यू आपने देखा ही है,
एल क्या है, एफ वन क्या है, एफ जीरो क्या है, एफ टू क्या है, अब सबकी वैल्यू यहाँ हम पुट करते हैं। ये है आपका 35, 23 माइनस 21 टू हो जाएगा, और 2 × 23 करेंगे 46 माइनस 21 माइनस 14 माइनस 35, फिर ये हो गया आपका 35 प्लस 2 × 10 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे 11, 35 प्लस ये 2 × 10 20 अपॉन 11, तो 20 को 11 से हम डिवाइड किए हैं तो 1.81, तो 35 में 1.81 ऐड कर देंगे 36.81 हो जाएगा। तो आपसे ये दोनों चीज़ें पूछी जा रही थी, आपको मोड भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, और जो है मीन भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, और फिर कंपेयर करना था, तो कंपेयर कर दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं मीन जो है, मीन की वैल्यू लो है और मोड की जो वैल्यू है वो हाई है, तो यहाँ से ये चीज़ पता चलता है हम लोगों को कि मीन की वैल्यू कम होती है और मोड की वैल्यू जो होती है वो हाई होती है। अब इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया है, ऐसे ही आपको 2, 3, 4, 5, 6 करने हैं, आप सब कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उसका जवाब हम आपको देंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा, और ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड हमने आपको बताया, आपके बुक का जो मेथड है काफ़ी लेंथी मेथड है, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिए। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।